मैं अभी इस वक्त के मन से नहीं कहूँगी कि असत्य हो गई हो, इसी के बारे में मेरा क्या कहना है या क्या मेरा मन कहता है। मगर सवाल हमारे साथ ये आता है कि जब केंद्रीय सरकार में और कई राज्यों की सरकार में ऐसी ताकत आज हावी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली, जो मूलभूत संविधान में नहीं मानती, वो खुल के कहती है कि हम संविधान को पलटना चाह रहे हैं, संविधान में कानून व्यवस्था को पलटना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम ये हैरान रहे कि हमारा निशान कहाँ हो, क्या हम क्या ये ताकत को राजनीतिक स्तर पर दूसरे पार्टी की तुलना में रख सकते हैं क्या। मेरा नम्रता से मेरे अनुभव से ये कहना है कि RSS can not be equated with other political parties। उनको आपको अलग ठहराना ही पड़ेगा, चाहे आपको दूसरे पार्टी के बारे में आपकी क्या भी सोच विचारधारा हो, मगर ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि बुनियादी स्तर पे ये ताकत, ये व्यवस्था जो बनाई गई है आज़ादी के आंदोलन को लेकर, सामान्य लोगों अलग सोच विचारधारा को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लेकर, समानता बराबरी की बुनियाद पे हमारी राजनीति होगी, हमारा साफ समाज बढ़ेगा, ये सोच विचारधारा के खिलाफ की ताकत है। तो फांसीवाद आज पूरी तरह से हमारे पास नहीं आ चुका, क्योंकि आज यहाँ पे भी हम लोग मिले हैं, बात कर रहे हैं, मगर फांसीवाद ताकतें हमारे प्रशासनिक सरकारी पूरे पावर के ऊपर कंट्रोल कर रही है, ये हमें समझ लेना चाहिए। कल बिहार मंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है, एक औरत कहती है कि जो लड़का 2007 में पाकिस्तानी आतंकी कहकर उसको ले गए थे, वो मेरे बेटे की शक्ल देखे, हिंदू परिवार की औरत कल कहती है लखनऊ में। हम कुछ आगे कुछ अमन शांति सुलझे हुए सोच के संघर्ष में जब 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे आतंक के अटैक हो जाता है कहीं पे, चाहे वो पेरिस में हो या तुर्की में हो या बांग्लादेश में हो, कि वापस वही बात हमारे बीच में दोहराने लगती है कि हमारे अंदरूनी दुश्मन कौन। एक बात हम तय कर लें कि जब हम समानता और बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे तो हम हमारे समाज में एक दूसरे के बीच नफरत होने वाली ताकतों से पहले लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारे बीच में एकता नहीं होगी और ये समझ की ताकत नहीं होगी तो जो भी दुश्मन हो, चाहे वो RSS हो या ISIS हो, वो दुश्मन उसका फायदा ले सकता है। मगर अगर हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम धर्म के बारे में घटियापन सिखाएंगे, मुसलमान के बारे में नफरत फैलाने की सोच करेंगे, या कई इलाकों में हिंदू धर्म के खिलाफ लेंगे जो कोई मुस्लिम गेटों में होता है, मगर मैं बहुसंख्यक बात के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बात हम साफ करें। अगर ट्रिपल तलाक का मुद्दा है तो ये कमरे में बैठे हुए कार्यकर्ता, उसमें शबनम भी है, राम भी है, इरफान इंजीनियर भी है, हम भी है, अगर ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठता है तो हम मुसलमान औरत के पक्ष में खड़े रहेंगे, इसको हम रोकने की जरूरत है, मगर हम किसी के सर्टिफिकेट लेने के लिए ये काम नहीं करने वाले, हम वसूलेंगे करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी मूल अधिकार और मानव अधिकार की बात हो रही है उसके पक्ष में हम खड़े रहेंगे। मगर अगर सेडिशन की बात होगी, राष्ट्रद्रोही की बात होगी, जो हमारे नौजवान, मैं मानती हूँ नौजवान लीडर, चाहे वो रोहित बेमुला हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उमर खाली हो या अलीबान हो, मैं मानती हूँ ये देश के फ्यूचर, इतने साफ सोच वाले नौजवान जिनके दिल और दिमाग में डर नहीं है और साफ सोच के ये नौजवान कह रहे हैं, वो आगे की बात है, ये पीछे की बात है, ये देश को तय करना पड़ेगा।
मैं इसमें नहीं जाना चाहती कि बुरा मान क्या, मगर इतना हम जानते हैं कि अगर आपको सुनिश्चित ही राजनीति ये देश में चाहिए तो राजनीतिक स्तर पे वो नौजवानों के साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी और तय करना पड़ेगा कि वहां पे क्या होगा। आप बंदूक इंटरनेट बंद करके गोलियां चला करके लोगों को अंधा करके क्या चला सकते, ये जमहूरियत और रोशन के खिलाफ। शैक्षणिक तालीमी स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा। परसों मैंने आसपास में कहा कि व्हाट्सएप की जगह पे हमें चौराहा की तरफ नजर आ रही, चौराहा हमें छोड़ दिया जहाँ पे बातचीत होती है, जहाँ पे लोग शामिल होकर चर्चा करते हैं, और व्हाट्सएप में इस तरह का शहर माना जाता है उसको हम आसानी से फॉलो करते हैं। तो ये राष्ट्र को ही ताकतें हैं, राष्ट्र संघ, सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिति, जो भी विश्व हिंदू परिषद, ये राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं क्योंकि ये गैर संवैधानिक ताकत है, यह कहना है। और मैं ये मन से बहुत दिल से अपील करना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं दिन भर सरकार के साथ में बातचीत कर रही हूँ, वो घटना को देखता है जो हमारे सेना में सदस्य मोहम्मद इकलाक है, जो चार्जशीट 90 दिन में फाइल करने की पुलिस ने वो हाल में फाइल की, मोहम्मद इकलाक के मामले में, और